heralding the parade. A band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. इनका जो कमांड कर रहे हैं वो है 105 HU के हेलीकॉप्टर से और विंग कमांडर अगाशे इस फॉर्मेशन के कमांड में है. ये जो फॉर्मेशन इसका नाम होता है स्पेयरहेड फॉर्मेशन और ये कलर स्ट्रिपिंग करके नेशनल फ्लैग और तीनों सर्विस का जो फ्लैग है वो आएंगे और फुल भी गाते हैं. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है. जो बैंड है इसमें 112 विमेन आर्टिस्ट वो प्ले कर रहे हैं और इनमें से जो 20 आर्टिस्ट है दे आर प्लेइंग ढोल और ताशा जो महाराष्ट्र के है. 16 आर्टिस्ट बजा रहे दप्पू जो तेलंगाना से है. 16 आर्टिस्ट ढाक और ढोल जो पश्चिम बंगाल से है और 8 आर्टिस्ट जो है वेस्ट बंगाल से वो शंखनाद कर रहे हैं और 10 आर्टिस्ट चेंदा बजा रहे और 30 जो है वो थोलू कुनीता जो कर्नाटक के है और 4 आर्टिस्ट ईच नादस्वरम तुतारी और सिंबल्स रिस्पेक्टिवली बजा रहे हैं. तो ये जो है एक पैन इंडिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो जो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है उनका एक डिस्प्ले है और ये वुमेन प्लेयर्स बजा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है. पहली बार देश की जो 26 जनवरी की परेड है उसमें इस तरीके का ये कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है. शंखनाद आह्वान जिसे कहा जा रहा है वो इस बार परेड की शुरुआत कर रहा है. ट्रेडिशनली भारत में पहले जब युद्ध होता था तो वो भी शंखनाद से शुरू होता था जिसको हम रिवली और रिट्रीट कहते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जी. वो इंडिया में भी वो शंखनाद से शुरू होता था. तो पहले जो लड़ाई होता था उसका बड़ा एक डिसिप्लिन होता था जिस टाइम में शुरू होता था एक टाइम में ख़त्म हो जाता था उसके बाद कुछ नहीं होता था. अभी तो लड़ाई किसी भी वक्त किसी भी टाइम हो सकता है. मॉडर्न वॉरफेयर इसका कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन पहले लोग बहुत डिसिप्लिन थे और शंखनाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता था जो शुरुआत और ख़त्म एक लड़ाई का एक दिन का वो ऐसे होता था जी. दूसरा अंकित इसमें ये देखना पड़ेगा देखो हर बारी जब भी परेड होती थी उसमें सबसे पहले जो परेड के कमांडर होते हैं वो आते हैं फिर 2IC आते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो परमवीर चक्कर अशोका चक्कर वो आते हैं. मगर इस बार जो एक चेंज किया गया है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का दो चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं एक तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति और एक कहीं ना कहीं इंडियनाइजेशन. ये जो लड़ाई शुरू होती है ये जो की प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है भारत एक बड़ा इतिहास.